नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं सुल्तानपुर टुडे। इस वक्त हम मौजूद हैं इसौली विधानसभा के पारा बाजार में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है इसौली विधानसभा क्षेत्र का। ऐसे में हम यहाँ पे आए हैं लोगों से बात करने और जानते हैं कि उनका मन और यहाँ के लोगों का रुझान किस तरफ है और किस पार्टी की तरफ है। ऐसे में हम बात करेंगे और जानेंगे यहाँ की जनता से। आए केवल अगर जीत होगी तो सपा की तरफ से अगर कोई, लेकिन इनको उम्मीदवार बदलना चाहिए अखिलेश जी को। तो ऐसा कौन सा उम्मीदवार आपको लगता है? बेधड़क जो ताहिर अगर आते, मुस्लिम चेहरा, उससे बेस्ट चेहरा कोई मिलेगा नहीं इसौली में। अगर ताहिर आते तो उनकी आंधी चले, क्योंकि उनने यही नहीं, जो सामने सड़क देख रहे अरवल से होके हलियापुर सुल्तानपुर, उन्हीं की देन थी। और दूसरी बात ना, सुल्तानपुर में जो और बेचारे बड़े बड़े काम किया था, कुछ ऐसा कारण था, लोग बाग ने उनका मतलब थोड़ा र्यूमर उड़ा दिया था कुछ भी, लेकिन ताहिर एक नंबर के बेस्ट, ताहिर जैसा नेता नहीं है। अबरार को रिपीट करेंगे तो मेरी समझ से बाहर है। आगामी चुनाव को लेकर अगर आपका ये कहना है कि अगर बदलाव किया जाए तो ताहिर खान को लाया जाए, जी जी, क्या वजह है, क्यों ताहिर खान को लाया जाए? नहीं, ताहिर खान काम वाम कारण, जैसे सड़क थी कितनी बेकार थी, उन्हीं कार्यकाल में सड़क का निर्माण हुआ सुल्तानपुर जाने में। वो कौन सी सड़क का निर्माण किया? ये हलियापुर से जो इसके मतलब गायत्री सुल्तानपुर होके गई है, हाँ, जो आपके सामने, हाँ, इस रोड की, उन्हीं की देन है ताहिर भाई की। और इसके अलावा क्या विकास आपको लगता है कि वो बेस्ट होंगे? मतलब थोड़ा के मतलब तेरा मतलब जागरूक रहते हैं ना। और दूसरी बात, जैसे सब कभी जाते हैं सुल्तानपुर, काफ़ी ट्रैफिक होता है, उन्हीं की देन थी, जो रोड ब्रिज वगैरह बनाए। बाकी तो भाई संसद वो जो विधायक नहीं थी, हर कोई काम करता, लेकिन थोड़ा सा इनसे बेस्ट हैं, इनसे हर मामले में, ज़्यादा क्या बताऊँ। चाचा क्या लगता है कि किस विधायक को या फिर ये क्या कौन सा नेता आप चुनेंगे इस विधायक? अरे भाई बहुत सुंदर है ताहिर भाई, आए हमारे ग्राम सभा, पूरी उनकी इज्जत करेगी, सम्मान देगी, सम्मान मिलेगा उनको, सम्मान मिलेगा। क्या रीजन है कि ये विधायक को इस बार नहीं चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ नहीं लड़ना चाहिए भाई, उम्र भी बीत गई और ताहिर नवा चेहरा भी है, वो ठीक है बस। तो आपको जब ताहिर खान सांसद थे तो आपको क्या उस टाइम फायदा मिला, या आपको क्या लगता है कि क्या विकास किया था उन्होंने जिससे कि आपको? जो उनके यहाँ तो वह क्या और विकास क्या क्या है, ताहिर खान जीते रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं ना, सड़क वड़क बहुत बनवा दे, हर काम कर रहे हैं यहाँ के, अभी सब तो भाई ठीक है ठाक रहा है। ताहिर खान का आप नाम ले रहे हैं तो अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या लगता है आप लोग सपोर्ट करेंगे उन्हें? बिल्कुल भैया खुल के। क्या आधार होगा सपोर्ट करने का भाई? ऐसा आधार तो मतलब भरपूर विश्वास करक, मतलब हम सब कोशिश कर जितना बने। उनका पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है? ठीक रहा है भैया, बहुत अच्छा। क्या विकास किए हैं अगर आपसे विकास की बात करें, आपने नाम लिया उनका तो क्या विकास किया उन्होंने? भैया सड़क वड़क यही सब बनवाए हैं, मतलब हमारे सबके तो भाई मतलब गांव गांव तो नहीं आए, काम करे हैं यहाँ ठीक है, जितना काम करें अच्छा करे हैं, अच्छा काम करे हैं और ठीक है ठाक है। अभी जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं उनसे आपको कोई फायदा मिला है? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला फायदा। तो अब तक ऐसा कोई नेता यहाँ से हुआ है जिससे आपको लगता है कि आपको फायदा मिलेगा? मिलेगा। किससे मिला है? ताहिर से। ताहिर जब यहाँ के सांसद थे तो आपको फायदा मिला था? हाँ फायदा मिला था। तो कैसा होगा कि अगर इस बार वो यहाँ से इसौली से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं? हाँ। तो आपको यहाँ पे फायदा मिलने वाला है? हाँ, फायदा मिलने वाला है। क्या तो कारण है आपको, कैसा क्यों लगता है? सब अच्छा लगता है। क्यों लगता है आपको कि यहाँ पे? अच्छा भी लगता है। क्या किया है, क्या फायदा किया? बिजली का फायदा है भैया उनके रहे, इब्रार तो कुछ न कहे, का कहे, कुछ नहीं कहे इब्रार। तो आपको लगता है कि जब जो पूर्व सांसद ताहिर खान थे अगर वो यहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो आप लोग सपोर्ट करेंगे उनको? हाँ बिल्कुल, किन जाए भैया कहे ना किन जाए। किस आधार पे सपोर्ट करेंगे, क्यों सपोर्ट करेंगे? अरे अच्छा कहे हैं, अच्छा कहे हैं भैया, वही हो जाए। आप लोगों को क्या क्या ऐसा अच्छा लगता है कि अच्छा आपके गांव में क्या विकास हुआ है उनके टाइम पर? अरे उनके टाइम पर तो बहुत कुछ भावा भैया, सड़क उनके सब कुछ दे यहाँ वहाँ आइए, क्या दिए, क्या क्या बिजली खंभा सब नहीं के जमाने में, वहाँ सड़क बनी है जो चौराहा वाली। किसके जमाने में? उनके ताहिर के। अच्छा हाँ। तो आप ये चाहती हैं कि इस टाइम जो है दोबारा से ताहिर आए और आपके क्षेत्र का विकास हो? अगर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं तो इब्रार पहले से विधायक हैं, मुस्लिम विधायक, और अगर ताहिर दोबारा से आते हैं तो क्या लगता है आपको कि चुनाव उनको देंगे? हाँ देंगे, वो देंगे। चलिए इसौली विधानसभा क्षेत्र के पारा चौराहे पे हम लोग मौजूद हैं, यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है कि कौन 2022 के चुनाव में आएगा यहाँ विधानसभा क्षेत्र से? ताहिर खां आएंगे और सपा के जो ना टिकट पा जाएंगे तो यहाँ से निकल जाएंगे। क्या कारण है, क्यों वो निकल जाएंगे? वो विधायक जीत जाएंगे।
क्यों जीत जाएंगे? उन्होंने कोई विकास करवाया है? हाँ, कोई काम करवाया आपके? बहुत काम करा है, पब्लिक के लिए बहुत काम करा है यहाँ। क्या लगता है चाचा, कौन जीतेगा? ताहिर ये जी हैं भैया। हाँ, क्यों ताहिर जीतेंगे? क्यों ताहिर? आप ये जो सड़क बनवाया है और बिजली का सब हिसाब बना दी है, यही भैया सब कार होता है। जिली भैया सही फारे लगवाए कि मारे सत्यानाश के दिन से, तो हम तो भैया जाना हाजिर रहा। हाँ, तो ताहिर अगर इसौली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, हाँ, तो आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट करी है। क्या हाँ, लगता है ताहिर को सपोर्ट करेंगे हम सब लोग? ताहिर बहुत काम किया है। ताहिर ही क्यों? आप नाम ताहिर ले रहे, ताहिर क्यों? अरे ताहिर यहाँ काम करके गए, एक बार यहाँ जीते थे, बैंक वैंक में जाते हैं ना, बहुत गड़बड़ी थी, लेकिन ताहिर आए थे एक दिन बैंक में, हल्काए मैनेजर का उनके हुट खराब गई थी, ताहिर खाने हम मौके मौजूद थे। ताहिर बहुत धड़ाके बोलते हैं। भैया जो मौजूदा विधायक है वो क्यों नहीं और ताहिर सब लोग कह रहे हैं, वो क्या रीज़न? ताहिर ने यहाँ पे विकास किया है, पहले भी विकास किया है, अगर इस बार आएंगे फिर भी जनता उनके वोट देगी, उनके सपोर्ट में है, विकास होगा। इसौली से अगर ताहिर खान चुनाव लड़ते हैं तो आप लोग इसौली की जनता सपोर्ट करेगी? हाँ बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। कोई ऐसा विकास जो आप बताना चाहेंगे, उन्होंने विकास किया था और इस आधार पे उनको 2022 से आना चाहिए? अरे आधार में कोई सड़क यहाँ तक बनवाई है, सुल्तानपुर से पारा था उन्होंने, और विकास किया है उन्होंने इसके पहले। क्या क्या विकास किया है? क्या अरे बहुत विकास किया है, अब काव मजदूर मनाई हम बहुत, यहाँ सड़क बनवाए, जोन गड़बड़ी बैंक में रही वक्त सब निपटाए के यहाँ से गए हैं, हैं और उनके हाथ में सत्ता आवे तो और काम करी है। तो मतलब आपको ये उम्मीद है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो यहाँ विकास होगा? ये तो हाँ। तो अगर विधानसभा क्षेत्र में कोई दूसरा मुस्लिम चेहरा आता है, आप किसको पसंद करेंगे? हाँ तो उनका ताहिर खान। ताहिर खान? हाँ। क्या क्या वजह है ताहिर खान की? अब बढ़िया आदमी है, ठीक आदमी है। क्या लगता है क्यों ताहिर खान जरूरी है? अब जरूरी है भैया, सब रोड बने, गाँव में लाइटरिंग है, कोनो चीज के विकास नहीं आई है। तो जो मौजूदा विधायक है उन्होंने कोई विकास काम नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। नहीं तो अगर कोई मुस्लिम चेहरा आप देखना चाहे तो किसको देखें? अरे ताहिर को। ताहिर के अलावा कोई नहीं? क्या लगता है भैया आपको, ताहिर के अलावा और कौन हो सकता है, या फिर इब्रार के अलावा कौन हो सकता है? ताहिर से अच्छा कोई नहीं हो सकता। क्या वजह है ताहिर? वजह ये, ताहिर अच्छा आदमी है, ठीक ठाक है, यहाँ काम कराएगा। यहाँ से चुनाव होता है तो आप किस कौन से मुस्लिम चेहरे को देखना पसंद करेंगे? ताहिर को। क्यों, क्या वजह है ताहिर? ताहिर ठीक ठाक है, यहाँ लाइट वगैरह दिए हैं। आपके गांव में लाइट दिया है उन्होंने? हाँ दिया है। अच्छा, तो अगर वो आते हैं तो आपको उम्मीद है कि विकास काम करेंगे? हाँ करेंगे। अच्छा, वो ठीक ठाक है। तो ये जब वो सांसद थे तो क्या आपको क्या लगा कि किस तरह से उन्होंने काम किया, आप दोबारा उनको फिर आना चाहिए? वो हर गांव में अच्छा काम किए हैं, इसीलिए उनको दोबारा चुनेंगे हम। चलिए।